कोकी उठ कोकी उठ। कैसा है फैटी? तू कब आया? सुबह 4 बजे दरवाजा खुला था, मैं अंदर आया और सो गया। ये चर्सी डाका पड़वाएगा। ये तूने पहना हुआ क्या है? और तू यहां आया क्यों है? सच बता, क्या बंड मार कर आया? पढ़ना। शादी की रात दूल्हा दुल्हन का सारा जेवर लेकर फरार। अबे तू पागल पागल तो नहीं है? जेवर का है? भेज दिया 2 लाख का। और तू सारे पैसे लेकर यहां पर आ गया? नहीं, जुए में हार गया यार। तू 2 लाख रुपए जुए में हार गया? अबे जी जाता तो 8 लाख रुपए मिलते। देख 2 लाख का जेवर वापस लेता, 2 लाख का हनीमून प्लान करता, बाकी के 4 लाख का बिजनेस। 300 रुपए उधार लेकर कराची की बस पकड़ी है यार। अबे इस कुत्ते के दोस्त हो? फैडी नाम है उसका। हरकतें तो कुत्तों वाली है ना। चल बे। एसएचओ चौधरी के तशद्दुद से लॉकअप में नौजवान की मौत, इंक्वायरी का हुक्म। मुख्तलिफ फ्रॉड करके लोगों से लाखों बटोरने वाला खान उर्फ डॉक्टर 6 महीने बाद जमानत पर रिहा। मतदाओं का जश्न। शादी की रात दुल्हा दुल्हन का जेवर लेकर फरार, दुल्हन को खुशी के दौरे। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। कुत्ते। हाँ भाई, तो फिर क्या सोचा है तूने? बीवी से क्या कहेगा? पता नहीं यार। बेटा जरा जल्दी जल्दी सोच ले, इससे पहले पूरे हैदराबाद में तेरे मोस्ट वांटेड के पोस्टर छप जाएं और पुलिस यहां पर आ जाए। पुलिस? अबे फैटी यार डर लग रहा है यार। ऑफिस से वापस आकर बात करता हूँ, देर हो रही है। और हाँ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पीली से ख्याल रख। हाँ हाँ। फैडे चौप। वेलकम टू कराची। बेबी, आज मैं आपको सुपर पावर दूंगी, बस थोड़ी देर में।
तुम चुप नहीं रह सकते? नहीं। बेबी आपकी सुपर पावर टन 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 सब पहनते हैं, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। चुप। चलो साहब। नहीं नहीं, मुझे मिनिस्टर साहब ने अकेले ही बुलाया। बैठो। आइए आइए सिद्दीकी साहब, आइए। तशरीफ रखिए। जी सर। बहुत माजरत के आपको इंतजार करना पड़ा। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? खिदमत तो मैं आपकी करूंगा सर। सर, ये जो दो नए पुल बन रहे हैं, अगर इनका ठेका हमें मिल जाए तो सर। नए नोटों की खुशबू कितनी दिल फरेब होती है। ये जमाल साहब हैं। सर, इन्हें भी कुछ देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इन्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये आपको कुछ देंगे। डंडा। आम खबर से आपको आगाह करें, मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट एजाज दौरानी ने खुद को रिश्वत देने वाले कॉन्ट्रैक्टर नसीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कराया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या कहा है आप भी सुनिए। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। सर, इलेक्शन करीब है, ये सब आप पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रहे हैं? पब्लिसिटी की जरूरत उन्हें होती है मियां, जो कुछ करते नहीं है। मेरी तो सारी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजरी है और मैंने आज तक अपनी कोई सीट नहीं हारी। Naughty America, nobody does it better. See you, my rhythm. Kiss me. क्या? Kiss me. देखो, नहीं. Please. See you, my rhythm. देखो, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती मेरे साथ. ये बिल्कुल गलत है. Kiss me or I'll kill myself. क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? My debt will be on you. देखो फरा, ऐसा मत करो प्लीज, देखो तुम्हें लग जाएगी फरा, तुम बचोगी फरा, प्लीज रुक जाओ फरा, मत करो, तुम्हें लग जाएगी फरा, मत करो, तुम्हें लग जाएगी। बॉस, टाइम क्या हुआ है? माफ करो यार, खुले नहीं है। मैं तुझे भिखारी दिख रहा हूं? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। ओ माय गॉड, क्या? अबे
तुझे बताता हूँ। अबे रुक, भागा रे साले, रुक, रुक इधर, साले, तू रुक इधर, अबे रुक, रुक साले, रुक ना, अबे रुक ना। Oh my God! लेकिन तू सिर्फ जेवर लेकर भागा था? हाँ, सिर्फ जेवर। इतनी जल्दी में जेवर ही उतरा था भाई। फैडी तू जल्दी क्यों आ गया? जल्दी? 8 बज रहा है बॉस। अबे रोज 11 बजे के बाद आता है। फैडी, फैडी, ओए क्या हो गया? बॉस ने लिया है क्या? है? ये क्या हुआ? शुभम ने पुलिस को नहीं बुलाया, मैंने जेल की सलाखों में सड़ा था ठगी इंसान। अबे अगर बहुत आग लग रही होती ना तो गर्लफ्रेंड बनाते हैं ऐसे किसी मासूम के साथ। है? देखो कैसे रो रही है बेचारी। पर रो नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स बेबी। सॉरी बोल इसको, सॉरी बो बहन बोल इसको, बहन बोल इसको, बहन बोल। नो डोंट कॉल मी सिस्टर, सॉरी इज जस्ट फाइन। आई एम द बॉस, एक्चुअली आई एम द बॉस, आई एम सेइंग। सुन बे टर्की, बोल। खुद आई थी मेरे पास किचन में, समझा? किचन छत भी तो थी। ये रख तू अपनी नौकरी, नहीं चाहिए मुझे। क्या तूने नौकरी छोड़ दी? बैठकर बात कर सकते हैं यार। खाएंगे कहां से, खुद को बेचेंगे क्या? अबे तुझे कोई फ्री में भी नहीं लेगा। मैं आसरा नहीं करूंगा कि लोग बैठे, मैं यहीं हाथ छोड़ दूंगा, समझा? ठंडे ठंडे हो जाओ बॉस। क्यों उंगली कर रहा है भाई? मैं उंगली कर रहा हूं? तू पूछ इससे। जब इसकी नौकरी गई थी तो मैंने मारा था इसे, अब मेरी नौकरी जाने का इसे क्यों अफसोस हो रहा है? क्यों ना हो अफसोस, एक इसकी नौकरी का तो आसरा था, अब कहां से होगा ये सब कुछ? नहीं नहीं तू बता कहां से होगा ये खाना पीना, किराया, चाय पानी, और अब तो ये मुफ्ता भी आ गया। तेली भाई मुफ्ता नहीं बोलो यार, ईगो चेक करे जरा भाई की। मुफ्ता तू बैठ जा, तू वहीं बैठ जा। कुछ नहीं कर पा रहा। ये सब क्या है परी? सब ठीक है बेबी, आप टेंशन ना लो मेरी जान। यार तुम बताओ मुझे, मुझमें कमी क्या है? नहीं जानू, सब ठीक है। खामखा दिमाग पे सवार कर। यार सोच कर बताओ यार। फट्टू हैं आप, जरा जरा सी बात पे फट जाती है आपकी। खुलने नहीं है होटल वाले के पास। खुलने का नाम किसने लिया उसकी माँ की? अबे बैठ जा। ओ दे दिए खुलने मैंने। खुलने का नाम मत ले, जान से मार दूंगा। अबे बस कर, ये तो पागल ही हो गया। मुझे लड़की ने अंकल कहा था, मैंने तो बुरा नहीं माना उस बात का। माफ करो यार, खुले नहीं है, खुले नहीं है, खुले नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बेबी वो तो सीधा यहाँ आ रहा है, वो हमारी तरफ आ रहा है बेबी। कुछ करो बेबी, आज सुबह बोतल चाहिए ना, अपनी लेकर आ चल। ओए हाथ मत लगा, दोस्त है मेरा। ओ यार मच मच नहीं करो, बड़ा है बदमाश। नहीं तो क्या तू बदमाश है? सारी बदमाशी निकाल दूंगा तेरी। Let's go!
तो छोड़। अबे आप लोग आजकल सायरन बजा के नहीं आते? हेलो, इधर आओ यार, चल 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 चल, बैठो बैठो। थैंक यू यार, तुम लोगों ने मेरे लिए लड़ाई की। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं है, आपके घर चलकर चाय पीते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो। और चाय मंगवाऊं? बॉस आप काम क्या करते हैं? छोटी मोटी स्मगलिंग करता था, मोबाइल, लैपटॉप, परफ्यूम वगैरह। बेबी शट अप, है बोर हो गया था, मजा नहीं आ रहा था। बेबी नए लोग हैं, इनको सीक्रेट्स मत बताएं। इंसान को काम वो करना चाहिए जिसमें बेबी दिल... इनको ट्रस्ट मत करें। तुम्हें कहा ना चुप रहो, सुना नहीं तुमने? बीच में बोलना जरूरी है क्या? औरतें चुप नहीं रह सकती। बाहर में जाएं आप। चुप हो जाओ वरना जान से मार दूंगा मैं। मेरी मत सुनिएगा, मम्मी के पास चली जाऊंगी मैं। औरत? कौन सी औरत सर? बॉस ये आप किससे बात कर रहे हैं? तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा। हाँ परी है, गर्लफ्रेंड है मेरी, सिर्फ मैं देख सकता हूं। अरे डरो नहीं यार, परी बहुत प्यारी है। वो देखो परी की तस्वीर। हॉट है बॉस। बॉस ये ना बीमारी है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चमाट मार के मुंह लाल कर दूंगी, मुझे बीमारी कह रहा है परी? इसकी हिम्मत कैसे भी मुझे बीमारी कहने की? निकालो इसे हमारे घर से कुत्ता। तुमने डॉक्टर पे जाने का कहा है ना, तो गुस्सा हो रही है, इमोशनल है बेचारी। इट्स ओके। सॉरी। चाय का कह के आए थे, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। दिखाया था डॉक्टर को, उसने टैबलेट्स भी दी थी, परी चली गई, मैं बोर हो गया, मैंने टैबलेट्स खाना छोड़ दी। प्यार हो गया इससे मुझे। बॉस ये बीमारी छूने से लगती है। कोकी तुम तीनों बेरोजगार हो। जाहिर है, तभी तो मुफ्तों की तरह यहां बैठे हैं। नौकरी ढूंढ रहे हो? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। तुम दोनों? हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ। आप फारिग है बॉस? नहीं, नया बिजनेस स्टार्ट किया। तुम लोगों को बताऊंगा तो पता नहीं क्या सोचोगे। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस आप। चलो बता देता हूं, तुम लोग मुझे अच्छे लगे हो। मैं किडनैपिंग करता हूं। सर ये सारी किडनैपिंग आपने की है? नहीं नहीं, ये तो मेरी रिसर्च है कि किडनैपिंग कैसे नहीं करनी, क्योंकि अखबार में खबर तो उस किडनैपर की आती है ना जो पकड़ा जाए। सर हम अगवा नहीं, सर हम लेट हो गए। चलती ली चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब चलो। अरे तुम क्यों डर रहे हो यार, तुम्हें थोड़ी किडनैप किया। चलो यहाँ से, चलो प्लीज चलो, उठो बैठो इधर। तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, मैंने तुम लोगों को चाय पिलाई है, नाश्ता भी मैं ही कराऊंगा। इंसानों की तरह नहीं खा सकता है, किसी का बाप भी नहीं कह सकता कि हलवा पूरी है। और मंगवाऊं क्या? नहीं बॉस बस, अब चले। तो मैं गाड़ी में चल के बैठो, मैं बिल देकर आता हूं।
गाड़ी बुरी नहीं है यार। अबे यार कहाँ रह गया ये आदमी, मुझे नींद आ रही है। सुन इसकी गाड़ी लेकर भाग जाए। तू पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? गाड़ी निकालो इससे पहले कि पुलिस आ जाए। मैंने इसको किडनैप कर लिया है। चल 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 जल्दी कर, जल्दी कर। तुम्हें नहीं सुन सकते, क्यों शोर कर रही हो? अपने चक्कर में हमें भी मरवा दिया है। एक तो मैं आपकी साइड ले रही हूँ, आप मुझे चुप करवा रहे हैं। राइट ले, राइट ले, राइट ले, राइट ले, मेरी फट रही है। चुप कर भाई, चुप करो यार, चुप चुप। बीबी इसका फोन ले। अपना फोन दो। हाथ छोड़ इसका, हाथ पकड़, हाथ पकड़। इसके बाप को कॉल करें। अबू का नाम क्या? मुंह से रुमाल निकाल यार, नंबर बोलो। अबू के नाम से देवो का नंबर। ये गंदा रुमाल मेरे मुंह में ना डालें। कोई बेवकूफी की बात ना करना, कोई आवाज ना निकले। हाँ मरियम। सर मरियम हमारे पास है, हमने इसे किडनैप कर लिया। क्या अबू, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। मरियम मरियम बेटा। बेबी अंकल को बोलो, परेशान मत हो। अंकल आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस अब पुलिस के पास मत जाएगा। देखिए हम लोग क्रिमिनल्स नहीं है, नियत के साफ लोग हैं। तो तुम लोग चाहते क्या हो? अंकल घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला रखें। अच्छा सांस लें, लंबा सांस। ओके अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह? अभी टैक्स लेना है क्या? 60,000 बेटा। महीने की 10 तारीख है, कितने पैसे बचे अकाउंट में? होंगे कोई 40-50 हजार होंगे बेटा, और क्या। अगर वो मैं ले लूं तो आपका महीना गुजर जाएगा क्या? हाँ बेटा गुजर जाएगा। तो बस ठीक है, आप एटीएम से पैसे निकलवाएं, मैं 15 मिनट में आपको कॉल बैक करूं। लेकिन बेटा मेरी बेटी मरियम। अंकल आपकी बेटी हमारी बहन, बस आप कैश निकलवाएं। सुपर बेबी सुपर। हेलो सर, पैसे निकाल लिए? हाँ हाँ बेटा। पैसे कहाँ लेकर आऊँ बेटा? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, पैसे 40 हैं बेटा। चलेंगे। और बेटा मरियम आपकी बेटी को अभी आपके पास लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू। तेरे तेली और ये मेरे बबूई। ये है किडनैपिंग के बेहतरीन असूल। पहला असूल, ताकतवर लोगों से दूर रहो, बड़े आदमी को उठाने का मतलब है बड़ा रिस्क। दूसरा असूल, जान से मारने की धमकी दो ना, ज्यादा डराओ। जान के डर से इंसान बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। तीसरा असूल, तावान की रकम अफोर्डेबल होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। चौथा असूल, नो असला नो मसला। गन होगी तो गोली चलेगी, गोली चलेगी तो किसी को तो लगेगी, मतलब खतरा। पांचवा और सबसे अहम असूल, अगर कार्रवाई करते हुए पकड़े जाओ तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, चुप चाप
सरेंडर। वाह बॉस, आपकी ना किडनैपिंग की स्पेलिंग गलत है। चलो उठो यहां से, चलो। रुक जा, अभी वो पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, बस यही पांच बोलते, क्लास खत्म। बाबू भाई अगली कार्रवाई कब करनी है ये बताइए। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, उठ चल। रुको, कल सुबह 6 बजे तक अगर तुम लोग यहां आ गए तो हम साथ हैं, वरना आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना। भूल गए सर, हम बिल्कुल भूल गए, भूल गए ना। चलो चलो। बेबी, आप इन्हें बर्दाश्त कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, हम भीख मांगते हैं। अबे पागल हो गया क्या? ओ भाई, हमारे खानदान में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी है। हाँ हाँ हाँ, और किडनैपिंग तो खानदानी काम है ना आपका, पैसे के पीछे मत भागो। इज्जत, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। देखो, अगर हम तीनों मिलकर नौकरी ढूंढेंगे ना तो किसी एक नए को तो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। उस शहर से इस शहर तक बदल गया सब, बदल गया सब। उस सड़क से इस सड़क तक बदल गया सब, बदल गया सब। रिजेक्ट हुए हैं, आपको आप ही की कंपनी ने सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम में ब्लैकलिस्ट किया है। करके अपनी ही बनाई दुनिया, थोड़ी अय्याशी करके थोड़ा गुजारा करके हमने है कमाई खुशियाँ। जैसा भी है तू अपना, जैसा भी है। उस नजर से इस नजर तक बदल गया सब, बदल गया सब। मेरा
जगह यही है? हाँ। अबे मोटे, तुझे डर नहीं लग रहा? अबे हमने तुझे किडनैप किया है। बेबी ये कितना क्यूट है, हम इसे अडॉप्ट कर लें प्लीज। कुछ चाहिए तुम्हें, आइसक्रीम वगैरह? जो करना है जल्दी करें, मैं बोर हो रहा हूँ। मरियम फट रही है और ये बोर हो रहा है। पापा, पापा की कॉल। हेलो सर, आ गए आप? देखना, एक दिन पुलिस पकड़कर तुम लोगों को बहुत मारेगी। क्यों, तू एफआईआर कटवाएगा? नहीं, लेकिन तुम लोग पकड़े जरूर जाओगे। अबे चुप, डरा क्यों रहा यार? बाहर आओ, यहां से सीधा जाओ, आगे से लेफ्ट लो, तुम्हारे पापा खड़े, ये रख लो। नो थैंक्स। मोटा डरा कर गया है मुझे, बच्चों की बदुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। डरने से नहीं लगती क्या? Take me home, baby. लड़की ने प्यार मांगा था, उधार थोड़ी मांगा था, दे देता या फिर मेरी सेटिंग करा देता उससे। चुप कर यार। फैडी, तू केस कर, हम तेरा केस लड़ेंगे। बेबी, ये गैंग में आ रहा है। आज से मैं तुम लोगों के साथ हूं, जो तुम करोगे वो मैं करूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए शराफत बेचनी पड़ती है। खून सफेद करना पड़ता है। ओ वाओ, बीबी आप तो काम के एक्सपर्ट हो गए। चुप। तुम शरीफ आदमी हो, व्हाइट कॉलर। इन दोनों से ज्यादा अकल है मुझमें। दिली तू बता यार बाबू भाई। अड़ी छोड़ना यार, तू क्यों इस सब में पड़ रहा है? हम कमा रहे हैं ना। देखिए बाबू भाई, या तो मैं कोई काम करता नहीं हूं, लेकिन जब करता हूं ना तो पूरे दिल से करता हूं। किसकी बज रही है? आपकी जेब से आवाज आ रही है बॉस। बेबी, अभी तारीफ की थी, भंड मार दी आपने। वो बच्चे का फोन गलती से जेब में रह गया। अब क्या करेंगे बाबू भाई? जहां से बच्चे को उठाया था वहीं से फोन उठा लेना। हेलो हेलो, फोन नंबर करना प्लीज। मैंने फोन के लिए कॉल नहीं की है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कॉल ट्रैक कर रहे हो? नहीं, यकीन करो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो हेलो, देखो प्लीज मुझसे बात करो। बोलो। मुझे तुम लोगों के काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तुम लोग बहुत ज़हीन हो, क्या ये हो सकता है? काम की बात करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम। हम किसी के लिए काम नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं अपनी ऑफर दे सकता हूँ, करना ना करना तुम्हारा फैसला है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं मिलने के 50,000 दे सकता हूँ, और अगर तुमने काम कर लिया तो तुम 50,00,000 कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन मिलने के लिए हम नहीं, तुम आओगे। के हाथ पीछे बांधना। अबे पीछे ही तो बांधे सही यार। इसका पीछे आगे है क्या छापू? क्या हम सही जगह पहुंच गए? हाँ। वो जिनसे मेरी फोन पे बात हुई थी वो सामने बैठा हूं तुम्हारे। मिलने का शुक्रिया।
मिलने का शुक्रिया नहीं, 50,000 निकालो। मैं लाया हूँ। तू मेहनत ना कर, मैं निकालता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? जी राहत सिद्दीकी। क्यों मिलना चाह रहे थे? दरअसल बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप किसी को अगवा करें, जैसे आपने मेरे बेटे को किया था ना। क्यों? अब क्यों ये कि अब सच पूछे तो मैं दरअसल किसी से बदला लेना चाहता हूं। किडनैप किसको करना? मिनिस्टर एजाज दुर्रानी के बेटे को। ताकतवर लोगों से दूर रहो, बड़े आदमी को उठाने का मतलब है बड़ा रिस्क। हम ये नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कर सकते? 50,00,000 कोई छोटी रकम होती है क्या? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम तो गैंग में भी शामिल नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं गैंग में? मैं गैंग में हूं बस। सारी जिंदगी ये चिल्लर काम करने क्या? रेडी चुप यार, मौका मिल रहा है बड़ा काम करो। हम ये नहीं कर रहे बस। तीली इनको छोड़ के दो। अबे फड़ी, ओ ओ अबे यार वो क्या हो रहा है? क्या कर रहे फड़ी? दिमाग खराब है तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? शक्लें देख ली इसने हमारी? अब ये काम करना पड़ेगा। नहीं, जब तक इसको ये पता नहीं कि हम कहां रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, इसमें क्या मुश्किल है? ये मोबाइल मार्केट से आप उल्टे हाथ मुड़े सीधा रोड पर नाक की सीध में चलते रहे, सिग्नल आएगा, सिग्नल से यू टर्न करते ही पान की दुकान है। पान की दुकान वाली गली में आके खंडर नुमा बिल्डिंग है, उसके सेकंड फ्लोर पर बैठे हम सब देखता हुआ आया हूँ मैं। वैसे जगह बहुत अच्छी है, ये पगड़ी पे होगी। बाबू भाई जादू आता है इसको। तूने पट्टी सही नहीं बांधी थी। मैं कह रहा हूँ जादू आता है इसको। दोनों साथ गए थे। बाबू भाई खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी मदद करो। बाबू भाई उसने मेरे भाई से रिश्वत मांगी, उसने धोखा किया है हमारे साथ। मेरा भाई होटल पैसे लेके पहुंचा तो उसने उसको नैप के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। बाबू भाई 10 साल की कैद हुई है बेचारे को, मेरे भाई की तो जिंदगी तबाह हो गई ना। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो यार। बेबी कल हमारे बच्चे भी होंगे, दूध डायपर्स स्कूल का खर्चा, फ्यूचर की भी सोचे। वैसे ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है, माना कि पहले उसूल के खिलाफ है लेकिन पांचवा उसूल भी तो है, फंस गए तो सरेंडर कर लेंगे। इसका फैसला हमारी किस्मत करेगी। हेड तो करेंगे, टेल तो नहीं करेंगे। वो टेबल पकड़। पचास लाख में तुम्हारा कितना हिस्सा? नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिर्फ उससे बदला लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस मिनिस्टर की इज्जत का तमाशा बनते हुए देखूं, बस।
मिनिस्टर के बेटे का नाम क्या है? बॉबी। दोपहर के 2 बजे घर से निकला अकेला, चाय के एक ढाबे पर गया, 6 कप चाय पी और 12 सिगरेट, 4 समोसे खाए और 2 बार अंडा पराठा। फिर शाम में डिफेंस के पार्क में जाकर जॉगिंग करती हुई लड़कियों को गंदी गंदी नजरों से देखता रहा। फिर वापस चाय के ढाबे पर आकर 5 कप चाय और 12 सिगरेट पी खाली, और फिर वापस घर चला गया। नहीं, लड़कियों को जॉगिंग करता देखकर 3 बार जबान होठों पर फेरी थी उसने, ऐसे। पक्का किसी मिनिस्टर के बेटे के लड़के किया ना, ये तो कोई बहुत ही फारिग लग रहा है। मतलब ना पुलिस ना प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, इसको उठाने के लिए तो किसी प्लानिंग की जरूरत भी नहीं। बेबी चले। यहाँ रुककर वेट करेंगे बाबू भाई, यहाँ से सिर्फ फॉलो करेंगे, उठाएंगे नहीं। अब गुंडे मोवाली फिल्म बनाएंगे क्या? हाय, गुंडे ने फिल्म बनाने का ऐलान किया है, खान और डॉक्टर नाम है उसका। डॉक्टर दिखाओ। बेबी मैं जाके इसे ऑडिशन दे दूं, आप मुझे सिफारिश कर देंगे? पागल है ये बाबू भाई, आप जानते हो इसे? हाँ। अच्छा ये सब छोड़ो, काम पे फोकस करो। तुम तो कह रहे थे मिनिस्टर घर पे नहीं होगा इस वक्त, ये तो मिनिस्टर की गाड़ी है। हाँ पर वो पक्का 9 बजे ऑफिस चला जाता है। अबे तुम दोनों तो कह रहे थे कि अकेला निकलता है, इसके साथ तो ड्राइवर है। बचपन का दोस्त नहीं है हमारा, एक दिन की रखी की हमने। हाँ, सिर्फ फॉलो करेंगे, उठाने का प्लान कैंसिल। चलो बाबू भाई, ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? अबे हम उससे आगे जो चल रहे हैं, तू गाड़ी आहिस्ता कर, उससे आगे जाने दे। गाड़ी स्टार्ट रखा, गाड़ी की बंद कर दी, स्टार्ट कर जल्दी से, बाहर निकल, बाहर निकल। अबे चलो यार, स्टार्ट करो गाड़ी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वही हो क्या रहा है? हमारी रोजी पर लात पड़ रही है, तेरी गाड़ी किसे लगा इनके? चल 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 चल। इसी तरफ आए ना? मुड़े तो यही बैठे। बाबू भाई वो ही उनकी गाड़ी, वो देखे। बंद कर, बंद कर गाड़ी, बंद कर, बाहर निकल। अबे चल बाहर। अब क्या करेंगे? अबे चलना आगे, चल। बेबी आइडिया। लेकिन बेहोश है। ये किडनैपर्स का है? लगता है डील नहीं बनी, छोड़कर चले गए ऐसे। इसको होश में कैसे लाएंगे अब? ऐसे ही ले चलते हैं बाबू भाई। घुमा घुमा वहां पे फंस जाएगा। अरे भाई ये चलो यार, चलो चलो चलो, जल्दी करो। अब गाड़ी रोक, पुलिस। अबे कोकी दरवाजा बंद कर। अबे देख के राजी करो, अबे जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो भाई, बैठो, निकलो यार, निकलो निकलो। सर बेफिक्र हो जाए, इस बार आप इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सर सर क्या हुआ? सर बॉबी को किसने किडनैप कर लिया? हेलो, गुस्से में कोई फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लौता बेटा हमारे पास है, हमें सिर्फ 50 लाख चाहिए। पुलिस को मत बताइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको उसकी खैरियत।
तेरे बाप को पैसों के लिए फोन किया, उसने तो फोन कर दिया, पागल तो नहीं है? क्या रुमाल निकाल। न्यूज देखो। जिस किसी ने भी यह हरकत की है, अगर वो ये समझता है कि इस तरह मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो ये उसकी गलत फहमी है। मैं एक रुपये तो बड़ी बात होती है, उनको एक पैसा भी नहीं दूंगा। इस मुल्क में कानून है, अगर पुलिस मेरे बेटे को बचा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिंदगी और मौत वो तो खुदा के हाथ में है। बेबी मैं कैसी लग रही हूं? ये क्या हॉट पैंट्स क्यों पहनाई हो? काश मैं भी देख सकता। आप टेंस थे ना, मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। चेंज करो यार और थोड़ी देर चुप रहो। हो गया। ये मिनिस्टर तेरा सगा बाप है या तू किसी और का बाप है? इसके हाथ खोलो, मुंह से रुमाल निकालो। फायदा ऐसे मिनिस्टर बाप का? इससे अच्छा तो तू यतीम ही होता। फिफ्टी फिफ्टी करोगे? पापा मैं कैसे कमाऊं? आप नौकरी भी तो नहीं दिलवाते, कम से कम मेरी जाली डिग्री बनवा दें। What did you say? क्या कहा तुमने? वो किडनैपर्स मैंने किए थे, अपने बाप से पैसे निकलवाने के लिए। क्या कहते हो, 25 तुम्हारे 25 मेरे? तेरे मुंह में रुमाल था, कान में थोड़ी। तेरा बाप तो एक पैसा देने को तैयार नहीं है। वो मेरा मसला है, तुम्हें डील समझ में आ रही है? नहीं, हम चार हैं। 50-50 क्यों? अबे सालों सोते से उठाया है, जाग रहा होता ना तो घुस के फट जाता। मेरे सारे प्लान की मां बहन ही कर दी, फिर भी मेरी शराफत है जो 50% ऑफर कर रहा हूं। कोई और होता ना तो डीजल खाना और 250 रुपए फी बंदा दिहाड़ी के हिसाब से निपटा देता। मोबाइल चोरी करो, किडनैपिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं बॉबी भाई के साथ। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। बेबी अब हॉट पैंट्स पहन लूं, डील तो बन गई है। ठीक है, लेकिन तेरा बाप पैसे क्यों देगा? क्योंकि मेरे पास माँ है। मम्मी, पापी, कहाँ हो तुम? मम्मी मुझे माफ कर दे। ये तुम कैसे बोल रहे हो? ऐसे दुबाना ऐसे समझा यूं, और जज्बाती होके मारना देना मुझे। अब छोड़। सुपर हीरो, क्या हो गया तुम्हें? बस मम्मी, मैं आखिरी बार आपकी आवाज सुनना चाहता था। बेटा ऐसे मत बोलो, खुदा तुझे सलामत रखे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि तुम्हारे बाप जैसे बेवकूफ इंसान से शादी करके तुम्हें इस घर में पैदा किया। नहीं मम्मी, पापा को कुछ मत बोलना। और खबरदार, जो आपने सीएम हाउस के बाहर मुजाहरा किया तो पापा की इज्जत के लसन लग जाएंगे। मैं मर भी जाऊं तो आप कुछ मत बोलना। बॉबी बेटा क्या बात कर रहे हो? पापा की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। फातिहा पढ़ के मुझे भूल जाओ। बॉबी, बॉबी। बेबी इसे गैंग में ना रख ले। मेरे बच्चे के बाप के सीने में दिल नहीं है, उन्हें सिर्फ सियासत की परवाह है। उन्हें सियासत चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। आम इंसान मूवमेंट पार्टी के सदर के घर के बाहर रोती बिलखती ये औरत कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के मिनिस्टर एजाज दुरानी की बीवी है, जो अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही है। और इस औरत ने न सिर्फ धरना दिया हुआ है बल्कि भूख हड़ताल का भी ऐलान किया। सर मैं अपनी बीवी की वजह से आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ।
क्या गलत किया उसने? आज तक एक रुपए की करप्शन नहीं की तुमने, उसके बावजूद पार्टी में रखा हुआ है। मिनिस्टर क्यों बना? ताकि तुम्हारी वजह से पार्टी का इमेज अच्छा हो। उसका भी सत्यानाश कर दिया तुम्हारी बीवी ने। मीडिया का चस्का लग गया उसे, सुनेगी तुम्हारी तो क्या कहेंगे? जो अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सका वो आवाम की क्या हिफाजत करेगा? अगर ऑपोजिशन वालों ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे खिलाफ टिकट दे दिया तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। सर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। पैसे दो और बेटे को छुड़ाओ, हम क्या कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं तो दो नंबर का पैसा छुपाया होगा ना इन्होंने, कोई स्विस बैंक अकाउंट। क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैंने एक रुपए की भी करप्शन नहीं की है। पार्टी फंड से 50 लाख देके मामले को खत्म करो जी। इलेक्शन सर पर है, और सुनो अपनी बीवी को मारना नहीं वरना वो न्यूज पर रेटिंग मार देगी। हेलो, कल संडे है, संडे को हम लोग काम नहीं करते। मंडे को फोन करके बताऊंगा कि पैसे लेकर कहाँ आना है। और हाँ, पैसे लेके सेताब की बीवी आएगी और कोई नहीं। ऑल कंडीशंस अप्लाई। धमकी दे रहे हो मुझे? बेबी, रोमांस करें। तेरे चेहरे पे आके नजरें रुकी, तेरी पलकों पे मेरी पलकें झुकी। तेरी बाहों में है मेरी दुनिया बसी, तेरा नाम लूं तो आए होठों पे हंसी। चल उड़ चले है के हसीन ये सफर है, बुरी नजरों से बचा के। सदका तेरे इश्क का, सदका तेरे नूर का, सदका तेरे हुस्न का, हाँ मैंने दे दिया सजदा। रब को किया हक जो तुझ दे दिया, सदका तेरे इश्क का, हाँ मैंने दे दिया। बस न चले मैं नजर उतारूं तेरी, सारी दुनिया जाने तू ही मन्नत मेरी। मेरे दिन के हर पल में है हिस्सा तेरा, तेरी बाहों में मिलती है जन्नत मेरी। असर है के हसीन ये सफर है, बुरी नजरों से बचा के। सदका तेरे इश्क का, सदका तेरे नूर का, सदका तेरे हुस्न का, हाँ मैंने दे दिया सजदा। रब को किया हक जो तुझ पे दिया, सदका तेरे इश्क का, हाँ मैंने दे दिया। Yeah.
इंसान को अगर कोई अच्छा काम करना हो तो उसकी बीवी बच्चे नहीं होने चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं बॉबी को नुकसान ना पहुंचा दें। उन्होंने पुलिस लाने के लिए मना किया है। जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि बॉबी महफूज है, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनको कुछ पता नहीं चलेगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये उन्हीं का फोन। ये बिक गई है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये बिक गई है गवर्नमेंट। मम्मी, बॉबी, आप पैसे लेके आ रही है ना? बॉबी मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना तुम्हें? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करें। दिया जी साहब से बात कराए। वो आपसे बात करना चाहते हैं? हैं? मुझसे? हेलो सर, कितने लोग लेकर आ रहे हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पर डीआईजी की हैसियत से नहीं, अपनी बहन के घर आया हूँ। आप पुलिस वाले तो अपने बाप के नहीं होते। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। नहीं नहीं, आप पूरे शहर की पुलिस ले आए। बस फोन आंटी को दे दीजिए, हम उन्हें रास्ता गाइड करेंगे। ठीक है? ओके। घबराने की कोई बात नहीं, वो फोन पर रास्ता बताते रहेंगे, तुम ड्राइवर को बताती रहना। हिम्मत कीजिए। जी आ गई। ग्राउंड के अंदर आ जाए। आ गई मैं। सामने काला कपड़ा नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ नजर आ रहा है। बस उसके पास आ जाए आप। ठीक है। आंटी कपड़े के पास पहुंच गई आप? क्या सूरत हाल है? सर बहुत ही हल्के किडनैपर, खुले में बुलाया है, आसानी से ठोक देंगे। आंटी कपड़ा हटाए। बैग को जगह पर रखने। पैसे उड़ रहे हैं सर। कैच करके उस तरफ कूद जाऊंगा। फिल्म नहीं चल रही, नीचे बंदे खड़े हैं अपने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने ये कर दिया।
तिली गाड़ी रोक। बॉस मैन ऑफ द मैच मैं हूँ, मुझे एक गड्डी। एक काम कर, वो गड्डी हमें दे दे और ये बैग तू रख ले। रख ले, दे दे यार एक और। थैंक यू। हाँ भाई, तो फिर पैसे किस हिसाब से बांटने? हिसाब क्या, डिसाइडेड है 50-50 होगा। पूरे शहर की पुलिस लाया था तेरा मामू, अगर मैं हेलीकॉप्टर का आइडिया नहीं देता ना तो बेटा मिल गए थे तुझे पैसे। 50-50 करेगा। ये बात पहले ही हो गई थी बाबू भाई, अब देख रहे हैं, घर चल के बात करते हैं। परी आगे खोलो, आगे खोलो परी, परी आगे खोलो, परी परी आगे खोलो। बेबी बोलो। बेबी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलो पर, ऐसा मत बोलो। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, भी बस मैं जा रही हूँ। तुम जाती, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर परी, मर जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। क्या हो गया बाबू भाई? परी मुझे छोड़ के चली गई। आपका तदवीन भी यही करोगे क्या बाबू भाई? चलो उठो यार, चलो। अरे उठो यार बाबू भाई। हम कहाँ हैं? बैंकॉक में। बॉबी, बॉबी कहाँ है? मसाज करवाने गया है। अबे पैसे लेकर भाग गया। कल से भूखी हैं आप, बॉबी भैया खैरियत से आ जाएंगे घर। टीवी पे तो आप भूख हड़ताल कर रही थी, यहाँ खाने चल रहे हैं। आजा मुझे लूट जा रे,
बाकियों के दारों से छूट जा रहे छूट जा रहे छूट जा रहे छूट जा चस्का लगा है चस्का मुझे नचने गाने का रास्ता खुला है रास्ता मुझे घर को जाने का चस्का लगा है चस्का मुझे नचने गाने घर को जाने का काली काली रातें बरसी मेरी सारी लाइट से सब कुछ हम रॉन्ग बोले पूरे पूरे राइट से एबीसीडी के बाद ओ करके देखो तो पैसे से हो गए तो ऊंचे आगे हैं फेंका लाश से पत्ता हुकम का जीता भाग के खेल जुरम का तोड़ा थमट का निकली तिजोरी किस्मत निकाली हो गई गोरी 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 बाहों में सुलाल सोड़ी चोर हूँ मैं चोर को चुरा ले सोड़िए धीरे धीरे बातों से तू बाहों में तो आ गोल गोल घूम और नचना सिखा मिनिस्टर एजाज दुर्रानी के बेटे जिनको तीन दिन पहले अगवा किया गया था वो आखिरकार घर वापस आ गए। आपको याद दिलाते चले कि मिनिस्टर एजाज दुर्रानी ने कहा था कि किडनैपर्स को एक रुपया नहीं देंगे बल्कि कानून की मदद लेंगे। तो क्या 50 लाख तावान अदा किया गया या फिर किडनैपर्स ने तरस खाकर उनके बेटे को छोड़ दिया? इस सवाल का जवाब तो मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं क्योंकि किडनैपर्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। भाड़ में गया दूल्हा भाई। तुम लोग क्या सिर्फ कुर्सी पर आराम से बैठने की तनख्वाह लेते हो? दूल्हा भाई तुम समझी रहे हो मीडिया क्या कुछ कर रहा है? ये कोई नया गैंग है, हम कोशिश कर रहे हैं। तुम ऐसा करो कि ये केस चौधरी को दे दो। दूल्हा भाई ये केस चौधरी को नहीं दिया जा सकता। क्यों? दूल्हा भाई वो लोगों को मारने के लिए पुलिस वाला बना है। तो पागल है वो, सालों से उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। बोलता नहीं, मारता है। मैंने कह दिया केस दे दो तो दे दो बस। बैठो। फाइल तो तुमने पढ़ ली होगी, ये किसी नए गैंग का काम लगता है। हमारे पास कोई क्लू नहीं है,
चार दिन हुए। तुम चुप करो, लेट मी हैंडल दिस। चौधरी, बात दरअसल ये है कि जिस तरह तुम बुराई के खिलाफ हो, मैं भी बुराई के खिलाफ हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास बंदूक है और मेरे पास उसूल है। मैं चाहता हूं कि तुम इन किडनैपर्स को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लो। तुम ये काम 10 से 12 दिन में कर सकते हो। सिर्फ 72 घंटे हैं तुम्हारे पास। 72 घंटों में किडनैपर सलाखों के पीछे होने चाहिए। That's all. हाँ भाई, अगला कौन है? कोई नहीं। जिन लोगों ने मिनिस्टर के बेटे का किडनैप किया था ना, उनका आखिरी वक्त आ गया है। क्यों? केस चौधरी को दे दिया है। भेजे में गोलियां उतार देगा उनके। उनका काम तो पैक। ये देखिए इसमें। एक मिनट के लिए अखबार देना। पुलिस पर दबाव, अगवा भराए तवान का केस, SHO चौधरी के हवाले। ये चौधरी बहुत खतरनाक इंसान है। क्या इंसान? हैवान है, हैवान। बस 2 दिन रुक जाओ, किडनैपर्स की लाशें किसी नाले में सड़ती हुई मिलेंगी। बाबू भाई, अब कौन बचाएगा? प्यार से लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं। तुम्हारी क्या मसला है? बुखार है बेटा, खांसी भी बहुत और बलगम भी आ रहा है। आ करें। हुई 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 हुई। ये मैं आपको पर्ची दे रहा हूं, आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। जब आप उसे ये पर्ची देंगी तो वह आपसे पैसे नहीं लेगा। शुक्रिया बेटा। हाँ भाई, तुम्हारा क्या मसला है? डॉक्टर साहब, असलम कराया नहीं दे रहा है, उसको बुला के टाइट तो करो। किराया कितना है? 6,000 महीना है। क्या 6,000 के लिए मुझसे बदमाशी करवाएगा? चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। इतने कम बजट की फिल्में मैं नहीं करता। अबे, हम बदमाशों की भी इज्जत होती है। नेक्स्ट। करोगे? तुमने कभी स्कूल कॉलेज में कभी कोई ड्रामा डेवलप किया है? मेरी फिल्म में हीरो का रोल करोगे? हमारी कहानी है, तुम्हारी शादी हो रही है और एंड में तलाक। फिल्म का नाम है हनीमून। कैसे? चाहे, चाहे। चूची, चूची, तो भाई की याद आ ही गई। जरूर कोई काम ही होगा। मिनिस्टर का बेटा अगवा कर लिया तुम लोगों ने, और केस भी चौधरी के पास है। हम क्या करें? आप क्या करें? कफन दफन का बंदोबस्त कर लो। और
और माँ बाप भाई बहन कोई गर्लफ्रेंड है ना तो उससे आखिरी बार बात कर लो। क्या करे, अपनी अपनी बचा के ना चुपचाप यहां बैठे रहो। खान भाई हाँ बोल मेरे हीरो बोल। फिल्म के लिए एक सीन सोचा है मैंने। अरे बताऊं? ओए तू अपने नन्हे से दिमाग पे इतना बोझ ना डाल, सीन भी मुझ पे छोड़ दे। तू बस सिर्फ बॉडी बना, सिक्स पैक। चूची टेंशन काहे को ले रहा है? मैं हूं ना, सुबह लगाता हूं चौधरी के पीछे किसी को। टेंशन ना ले, ठीक है? हाँ बलमा, खान बोल रहा हूँ। खान भाई कैसे हो? याद ही नहीं करते यार बलमा को। हैं तुझे मैं क्यों याद करूंगा, तू बच्ची है मेरी। काम है इसलिए फोन किया। जी हुकुम हुकुम। चौधरी, SHO चौधरी। चौधरी खान भाई जान का खतरा है। दस हजार बीस तू मेरी फिल्म की हीरोइन है, इतने पैसे दूंगा। 15 चलो 15 ठीक है। जिधर ऑडिशन होगा ऑडिशन। बलमा ये सब क्या, शूट से पहले पैकअप? खान भाई चौधरी ने शुरुआत ही मुझसे की। चलो 15 ठीक है। ये तेरा ऑडिशन होगा ऑडिशन। ठीक है ठीक है ठीक है खान भाई, सोचो सोचो। सोचो खान भाई, शुक्र करे मैं नशे में था। इसकी तो मुझे कुछ नहीं पता सर। तूने स्क्रिप्ट आउट नहीं कर दिया ना? कुछ नहीं पता सर, मुझे मेरी मां की कसम है। सच बोल रहा है ना, अगर तूने ओवर एक्टिंग की तो यहीं दी एंड हो जाएगा। अनबे अगर कुछ बकअप होता तो यहाँ थोड़ी होता। वो किसी न किसी से तो उगलवा लेगा। अनबे वो यार फिल्म में कोई एक रोल तो दो ना। रोल? हाँ रोल है तेरे लिए। एक लाश का। क्या हुआ साहब, क्या चाहिए? हो गया बॉस, पता तो भिजवा दिया था। ये चौधरी है। चौधरी बॉस, बॉस बॉस हमें गिरफ्तार कर। और कुछ नहीं बॉस। वकी केस में ब्रेक थ्रू, SHO के हाथों एक गैंग का सफाया, मजीद एक गैंग के मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस पर उम्मीद है कि जल्दी दूसरे गैंग को भी पकड़ लिया जाएगा, और पुलिस ने गिरफ्तारी के बारे में मदद करने पर इनाम का भी ऐलान कर दिया है। बाबू भाई अपने 5 स्लोगी ना बत्ती बना ले आप। चौधरी तो गिरफ्तार कर ही नहीं रहे, मरवा दिया आपने। पुलिस को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, वरना इनाम की रकम का ऐलान ना करती। हेलो चौधरी, कहाँ है तू? घर पर। अब वहां से पिकअप कर फौरन। क्यों? चौधरी को मालूम हो गया कि तुम लोग कहाँ हो। क्या हुआ? पुलिस। पता था मुझे।
बाबू भाई इमोशनल होने का टाइम नहीं है। चलो पुलिस को कैसे पता चला? आइटम नंबर था कोई जिसने इनाम के लालच में ब्रेकडांस किया। किसी रात से देखी ने मुखबरी की। नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिर्फ उससे बदला लेना चाहता हूँ। मुझे तो उसका नाम सुनते ही शक हो गया था, हमें उस आदमी से बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो हमसे ज्यादा मुजरिम वो बॉबी है। हाँ प्लान भी उसका था और कुत्ता सारे पैसे भी ले गया, और हमें क्या मिला? वो चौधरी। वैसे अगर मैं तुम लोगों की जगह हूं ना तो सारा सीन रीशूट करूं। ठीक है हम उसे फिर से किडनैप करेंगे। अरे नहीं चूची, मैंने तुम लोगों के लिए एक नया स्क्रीन प्ले सोचा है। तुम लोग सरेंडर करोगे और फिर अदालत में जाकर ये कहोगे कि स्टोरी उनकी बिल्कुल बेकार है, फिल्म फ्लॉप है, एकदम डब्बा। एक ट्राई तो करेंगे, उसके बाद सरेंडर करेंगे। बाबू भाई खान भाई ठीक कह रहे हैं। एक गाड़ी और एक बाइक चाहिए। चूचे गाड़ी और बाइक। बड़ा सिद्धि है यार। सर मुझे तो सब कुछ बिल्कुल ख्वाब जैसे लग रहा था, मैं तो बेहोशी की हालत में था, मुझे तो खाना तक नहीं देते थे। सर अंधेरे कमरे में रखा हुआ था और बाहर लेकर जाते थे तो आंखों पर पट्टी बांध देते थे। बॉबी ये आवाज कैसी थी बेटा? कुछ नहीं माँ। तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? तुझे जिस गैंग ने पहले अगवा किया था ना उसने सर को सब कुछ बता दिया है और सर ने उसे गोली मार दी है। अब तू भी सच बता दे। मुझे तो लेकिन मुझे तो वाकई कुछ नहीं पता। जानता है इस कार्ड का मतलब क्या है? अगर अपनी खैरियत चाहता है तो 6 बजे तक सच सच बता दे। चीज तो नहीं है सर। मुझे चारों तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। मिलके रहेंगे दुनिया को धोखा रे। चलो गागल पहनेंगे अरमानी, कोई चाल चलेंगे शैतानी, किस्मत का हारेंगे हम चौकारे। मर्जी से निकला मक्खन बे, जैसे गाड़ी के मालिक को हॉर्न मिला हो इससे मैं। 5 चूहे
घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गए हथियार। चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गए हथियार। सर जी यहाँ इनकाउंटर नहीं कर दीजिएगा, रेजिडेंशियल एरिया है। अरे खुदाई कसम नहीं भाग रहे थे भाई, गाड़ी ब्रेक चलो गए थे। चले सीधा खड़ा यहाँ पे, तू एक मिनट सीधा चल, सीधा हाथ बार। सेफ्टी के लिए मैं गन दिखा रहा हूं और तू मुस्कुरा रहा है। से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया छूट गया। चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गया। चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गया। जो लेने जल्दी लो यार, निकलना यहाँ से। ब्लैक गाड़ी ना, हाँ हाँ आ रहा हूँ। अबे क्या कर रहे हो, चाय ले आओ। सादा या दूध पत्ती? सर क्यों जी छोड़ दे सर, मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता सर, मैं तो जा रहा था सर रास्ते में। सर मेरा यकीन करें सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मुझे छोड़ दे सर प्लीज सर, ऊपर के हाँ। सर मेरी तरह का कोई और आदमी होगा सर, मैं तो था ही नहीं सर। सर बुरी खबर है, किडनैपर्स ने सरेंडर कर दिया है। नहीं छोड़ना मत सर, मैं गिर जाऊंगा सर। सर मैं बताता हूँ सर, सर मैं 12th मैन था सर, सर सर कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैं 12th मैन था। Oops. मिनिस्टर एजाज दुरानी के बेटे के अगवा के केस ने एक नया मोड़ दिया है। पुलिस का बताना है कि किडनैपर्स ने सरेंडर कर दिया है और इन किडनैपर्स को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए रात लेट हो रही है। मुझे प्रेस से बात करनी है। सर आप इन्हें बात करने से रोक नहीं सकते। सर मेरी बात का जवाब तो दे दे सर। थाने से ही आते हमने बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं की और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है, क्योंकि यही वो बहाना है जिसको इस्तेमाल करते हुए चौधरी साहब हमारा एनकाउंटर कर देंगे, और अगर हमें कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी चौधरी साहब की होगी।
चौधरी साहब क्या ये सच कह रहे हैं? जवाब दें सर, जवाब दें, जवाब तो दीजिए। और से देखो इन चारों को, क्या ये वही चारों हैं जिन्होंने दिन दहाड़े तुम्हें अगवा किया था? तुझे हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? हमें पैसे नहीं चाहिए, तू पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तू जा। नहीं। क्या? जेल में सड़ूंगा। तूने वाकई चौधरी को कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। पैसे कहाँ? मेरे पास, और मैं अभी भी 50-50 करने के लिए तैयार हूं। तुझे हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? हमें पैसे नहीं चाहिए, तू पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं, ये वाकई वो लोग नहीं है। देखना कि गवर्नमेंट कैसे इस केस का पेकअप करती है। वकील सरकार साहब, आपका तो स्टार विटनेस ही बैठ गया, अब केस में क्या बचा? जो साहब, ये आपका केस है, माना ये हाई प्रोफाइल केस है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी को भी लाके कटहरे में खड़ा कर दें। जाइए और असली मुल्जम पकड़ के लाइए। बाबर दुरानी किडनैपिंग केस से जुड़ी एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अदालत ने मुल्जिमान को बरी कर दिया है, क्योंकि कमरा अदालत ने बाबर दुरानी ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया था। साथ ही अदालत ने पुलिस को तंबीह की है कि जल्द से जल्द असल मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। बच गए बाबू भाई, अब कल बॉबी को टेप वापस करके 50-50 करेंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी फिल्म के लिए 6-pack बनाऊंगा। ऐसे आइडिया है बाबू भाई, फिल्म के लिए हिरन किसको लेंगे? यार तू चुप नहीं रह सकता? क्यों चुप रहूं? मौत के मुंह से बचकर वापस आए, खुशी का जश्न तो मना रहे थे। खुदा के वास्ते अपने गुस्से को काबू में रखिए, आप कैसी बातें कर। हराम खोर, दुरानी साहब, दुरानी साहब, मैं इसका खून पी जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मामा समझाइए। आप बीच में मत बोलिए, खामोश रहिए बिल्कुल। हाँ, निकल गए ना वहां से, जगह पता है। ओके सर, मेहमान आ रहे हैं आपके। चलाओ चलाओ। तमाशा बना रहे हैं।
कहां से आए पैसे? जवाब दे, कहां से आए पैसे? भागता किधर है तू? जवाब दे। छोड़ दे इसे। मामा अब चली जाइए यहां से, चली जाइए यहां से, मैं इसको जान से मार दूं। क्या गलत किया इसने? इसने जो कुछ भी किया आपने इसे मजबूर किया ये सब कुछ करने के लिए। क्या कहा आपने? चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए। आपकी समझ में नहीं आती है ये बात? ये सब आपके बेजल लाट प्यार। बॉबी बेटा, बॉबी दरवाजा खोलो, बॉबी दरवाजा खोलो, बॉबी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दो बॉबी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो बॉबी। बॉबी देखो तुम दरवाजा खोल दो वरना मैं पुलिस को बुलाकर खुद से मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। खोल दो दरवाजा। बॉबी बेटा अपने आप को नुकसान ना पहुंचाना मेरी जान। क्या हुआ सर, क्या हुआ? दरवाजा तोड़ दो, तोड़ दो दरवाजा। जब बाहर हट जाओ तुम एक तरफ, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। तोड़ दरवाजे को। अरे उसकी आवाज नहीं आ रही है। बॉबी, बॉबी बेटा। बॉबी भाग कह रहा है तू? मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा लेकिन भागने नहीं दूंगा। अब तेरी तमाम जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। कुछ खबर मेरे यार की। सच सच बोल, चौधरी उन्हें कहां लेकर गया है? अबे कोर्ट ने तो सीन ओके कर दिया था। पक्का? अगर वो वहां नहीं हुए ना तो तेरा पैका कट इट। लाइट्स कैमरा एक्शन। कुछ नजर नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है। चौधरी करें सर, ऊपर से कॉले आ रही हैं, आपका पूछ रहे हैं। बॉस इधर तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। अबे तू सड़क पे नजर रखना, तेरा बाप बैठा है ना देखने के लिए। ठीक है सर, चल आगे, आगे ले, आगे ले। मैं तो मरे कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी
चौधरी की गाड़ी है और चूची लोग भी नहीं इसमें। आगे ले, आगे ले। सर मैंने इन्हें रोका था सर, सर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी सर। सर बहुत माजरत चाहता हूँ इस तरह आने की बगैर इजाजत, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात है? सर मुझे मालूम नहीं था मैं सांप पाल रहा हूँ। ये रहे वो 50 लाख पार्टी की अमानत। तुमने पी तो नहीं रखी? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखे थे, इसमें 50 लाख रुपए। बैठ जाओ। जी सर। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर मुझे तो मेरे बेटे ने किसी को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये अगवा बराए तावान उसका अपना बनाया हुआ मंसूबा था। क्या? जी सर, वो उसका अपना मंसूबा था। जब मैं तुम्हें कह रही हूं तो जाने दो इसे। मैडम आप मुझे जान से मार दें, मैं फिर भी इन्हें जाने नहीं दूंगा। मामा मैं बात करता हूं इससे। ये लो। ये क्या है बॉबी भाई? रख लो, काम आएंगे। बॉबी चुचे चुचे गाड़ी में डालो इनको। संभाल के मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा दी एंड करके रिवाइंड करके फिर दी एंड करूंगा साले। बच्चा आराम से बैठो। हान भाई आपने मैं कैसे ढूंढ लिया? पुलिस वालों को भी एक्टिंग का शौक होता है, दोस्त है अपने। क्यों ग्रिंगो? मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है तुम लोगों का यहां से पेकअप। शहर छोड़ के जा रहे हो तुम लोग, यहां मैं संभाल लूंगा। ओए तू यहां क्या कर रहा है? मुझे बाबू भाई से बात करनी है, आपके 25 लाख। तुम्हारी भलाई हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्यों देने आए हो पैसे? 2 बार किडनैप किया था मुझे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन जाने दिया। ये भलाई नहीं है, आपका हक है। पुलिस पागलों की तरह मुझे ढूंढ रही होगी। मुझसे क्या चाहते हो? इस शहर से बाहर निकलने में मेरी मदद करें। जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो मैं वापस आकर आपका गैंग ज्वाइन कर लूंगा। बाबू भाई मिनिस्टर के बेटे तुम। तुम लोगों की फिल्म मेरी समझ से बाहर है, ये हो क्या रहा है? पता नहीं। इससे पहले कि कोई और तुम लोगों को फ्रेम आउट करके ले जाए मैं तुम लोगों के निकलने का बंदोबस्त करता हूं। यह एक बात मेरी खोपड़ी में नहीं आ रही, उस पागल चौधरी ने तुम लोगों का दी एंड क्यों नहीं किया? हाँ।
सर। सरकारी गन है सर, इंक्वायरी बैठ जाएगी। काफी जंग लगा हुआ इस पे। ये क्या कर दिया सर? अबे भारा सर की फट गई, सर ने अपने आपको गोली मार ली। सर की फट गई, सर की फट गई, सर की गोली लग गई, सर की हालत खराब है। सर जल्दी आ जाए, पुलिस को बुला। क्या हुआ भाई, जल्दी आ जाओ, सर बहुत भारी है यार। अरे अंदर डालो, शक्ल क्या देख रहे हो? लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। अच्छा पिछवाड़ा थोड़ा ऊपर रखिएगा, चलो चलो जल्दी करो। वाकई मैं तुझे जॉन से मार दूंगा। स्टॉप इट, बैठो। एक साल में 30 करोड़ कमा के दे सकते हो? जी। इस दफा टिकट तुम्हारे बाप को नहीं, तुम्हें देंगे। तुम्हारे बाप ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, एक रुपए की करप्शन नहीं करता, और यह नुकसान तुम पूरा करोगे। अगली बार भी सरकार हमारी है, खुल के बनाओ। 30 से ऊपर जितना वो तुम्हारा। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, करोगे? जी। आहा, कितना अच्छा जी कहा है तुमने। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा। कोई नहीं रखेगा तुम्हें पार्टी में, बीवी को लेकर हज पर जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं सर। मैं आपको जो सर आप मेरे मैं आपसे जो बात कह रहा हूं आप सुन नहीं रहे हैं। ये आपको भी बेचकर खा जाएगा। बाप को चूना लगाया ना, अब आवाम को लगाओ। इसी को सियासत कहते हैं। जाओ इलेक्शन कैंपेन की तैयारी करो। वेलकम टू द क्लब। थैंक यू। आज मेरे प्यार में तू भी झूम ले, तू भी झूम ले रे आज मेरे प्यार में। इलेक्शन जीत गए तो आवाम के लिए क्या करेंगे? तू शाहीन है, बसेरा कर पठानों की चट्टानों पर। सर जी पहाड़ों की चट्टानों। आज मेरे प्यार में तू भी झूम ले, तू भी झूम ले रे आज मेरे प्यार में। डूब जा रे आजा मुझे लूट जा रे। अखियों के धारों से छूट जा रे, छूट जा रे, छूट जा रे, छूट जा। चस्का लगा है चस्का, मुझे नचने गाने का रास्ता खुला है रास्ता, मुझे घर को जाने का। चस्का लगा है चस्का, मुझे नचने गाने।
से पत्ता हुकम का जीता भाग के खेल जुर्म का तोड़ा झमटका निकली तिजोरी किस्मत ठिकानी हो गई गोरी। आपको एक और इलेक्शन के नतीजे से आगाह कर रहे हैं बाबर दुरानी, जिन्होंने अपने वालिद एजाज दुरानी की सीट पर इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने अपने हरीफ को 3 लाख वोटों से शिकस्त दी है। ख्याल किया जा रहा है कि उन्हें काबीना में अहम वजारत भी दी जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कितने पैसे लेकर आए हैं? 50 लाख। मिनिस्टर साहब से तो मिल सकेंगे ना हम? जी नहीं है? वो 5 करोड़ से कम में नहीं मिलते, बहुत बिजी हैं। लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, मिनिस्टर साहब के 2 खास आदमी हैं, अगर वो मान गए तो समझिए आपका काम हो गया। लेकिन उनसे भी आप ऐसे नहीं मिल सकते? मजबूरी है, समझा करें। आजकल पता नहीं होता कब कौन वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दे। स्कोर क्या हुआ है बॉस? बहुत 2 नंबर पैसा है इस मुल्क में लोगों के पास, मशीन भी थक गई है। ऐसा जो साहब पैसे बॉस तक पहुंचा दे। रोमांस क्यों नहीं है तेरे चेहरे पे? आखिरी बार करने लगा हूं, अब अगर तू चेहरे पे रोमांस नहीं लेकर आया ना तो यही मार के यही गाड़ दूंगा। कैमरा रोल पे डाल और चैम्बर पे गोली भी डाल। एक्शन। चौथा उसूल, नो असला नो मसला। गन होगी तो गोली चलेगी, गोली चलेगी तो किसी को तो लगेगी। बाबू भाई, यारों ने मिलके सोचा ये मिलके देंगे दुनिया को धोखा रे। गॉगल पहनेंगे अरमानी, कोई चाल चलेंगे शैतानी, किस्मत का मारेंगे हम चौकारे। कराची से आपको अहम खबर दें, जहां पर मशहूर बिजनेसमैन एजाज सिद्दीकी की बेटी फरीसा सिद्दीकी को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन के एक शॉपिंग मॉल के बाहर ये वाकया पेश आया है। इस हवाले से पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गए हथियार। चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गए हथियार। मासूम से यारों का छोटा सा सपना था, उस प्यारे सपने ने है कितना भगाया। पैसे का कीड़ा था यहाँ तक ले आया, साली इस खारिश ने है कितना सताया। फिर बोला सब चूहों को रोकर एक चूहे ने,
अपने तो लग गए भाइयों लसन रे, सारी अपनी चालों को बोतल में बंद करके बिल्ले ने ठोका वैसा ढक्कन रे, के सब गया बेकार, सब हो गए खुवार। पांच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गए हथियार। पांच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गए हथियार। पांच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, रास्ते में पड़ गया है बिल्ला, छूट गए हथियार।